ये तो Hey guys, so fast car के एक अंदर वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम है कांडांगी। तो भाई आज मैं आपको बताता हूँ कि टोनर में इंक कैसे फिल करनी है। इंक तो कह लो या पाउडर कह लो, कुछ भी कह लो। तो इस वीडियो में आपको बताऊँ कि किस तरह से आपको टोनर निकालना है और कैसे उसमें इंक डालनी है, उसका हेड कैसे उसको खोलना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसा है कुछ दिखने में टोनर, ऊपर इसमें कैप लगी है ऑरेंज वाली और यहाँ हमने सारा सिस्टम रखा हुआ है। सीजर है, कैची हो गई और इंक वो जो पाउडर है वो भी है हमारे पास। तो ये कुछ ऐसे ऊपर से उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर नीचे से इसमें लॉक लगा रहता है, उसको थोड़ा दबाएंगे, बैंड करेंगे तो वहाँ से वो निकल जाएगा बाहर। तो थोड़ा सा हल्का सा टाइट दबाना है, तो ये देखिए निकल गया है और कुछ इस तरह ही लगेगा। तो ये देखिए नीचे ऐसे दबा के इसमें सीधा लग जाएगा। फिर जब इसको हम निकालेंगे फिर ऐसे ही निकालेंगे, ऊपर से तो ऐसे ही निकाल लिया, अटका रहता है उसमें, फिर यहाँ नीचे से दबाना पड़ता है। तो देखिए निकल गया, आपको दिख रहे हैं दो दिख रहे होंगे उसमें, आपका हुक से उनको दबा के निकल जाएगा। तो ऐसे पहले इसको ऊपर खींच लेंगे ऊपर से, तो ऐसे फिर यहाँ से इसको नीचे से दबाएंगे, फिर इसको यहाँ से ऐसे बाहर निकाल लेंगे। तो अभी आपको यहाँ दिख रही होगी ये टोनर की है, इसमें पाउडर है ब्लैक कलर का ही। तो इसको पहले अच्छी तरह से हिला लेंगे हम, शेक कर लेंगे सबसे पहले अच्छी तरह से, कि इसमें जो है टाइट टाइट है वो थोड़ा सा हिल के पूरा तरह अच्छी तरह हो जाए। तो इसका एक छोटा सा कोना ही काटना है, ज़्यादा नहीं काटना है, ज़्यादा काट लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हल्का सा ही काटना है, इतनी वो पतली रहती है, इतनी मतलब क्रश रहती है कि पता ही नहीं चलता कि कब ये निकल के चली गई, बाहर गिर गई। तो ये देखिए कुछ ऐसे यहाँ डलेगी धीरे 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 करके डालनी होती है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कितनी बारीक है, ये हल्की हल्की डाल रहे हैं, हवा में उड़ भी रही है। नीचे पेपर हमने इसलिए लगाया है कि गिरे ना, ये देखो गिर भी गई, तो इतनी पतली है हाथों पे गिर गई है। इसमें एक आधा किलो आती है और जो इसका प्राइस आता है 500 रुपये का आता है इसका, आपको थोड़े आगे पीछे भी मिल जाएगा कहीं कहीं से ही। तो 500 रुपये का तो इसका मिलता ही है इसका ये जो प्राइस है इसका। और ये ओरिजिनल वाली है, आप देख लो पैकेट का कुछ ऐसा होगा इसका कलर, तो ओरिजिनल वाली ही डालनी है आप। तो लोकल वाली डालोगे तो दिक्कत हो जाती है मशीन में भी, और इसमें जो टोनर लगा होता है और इसमें जो ड्रम लगा होता है उसमें भी, क्योंकि यही चीज़ मेन होती है। अगर इसका ड्रम ख़राब हो गया तो समझो कुछ नहीं है, सब कुछ ख़राब ही हो गया, कुछ करेगा ही नहीं है, पेज भी अच्छी तरह प्रिंट नहीं करेगा वो। तो ये देखिए हमने सारी इसमें लगभग डाल ही दिया आधा किलो, थोड़ी सी और बची है वो भी डाल देते हैं। तो ये देखिए डाल दिया, इसमें आती ही आधा किलो है वैसे तो, ये थोड़ी सी और बची है इसमें, वो भी हम पूरी डालते इसमें। ये देखिए ओह शिट गिर गई भाई। तो काफ़ी संभाल के डालनी पड़ती है इसमें, और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीचे हिला भी लो, क्योंकि जो एडजस्ट जो बीच में स्पेस आ जाता है वो नीचे हो जाती है। तो इसमें जो ये पूरा है, इसमें जो ये आधा किलो इंक डलती है, इसमें जो पाउडर डलता है इसमें, ये 500 रुपये का आता है, और ये जो पेज निकालता है ये 10 से 12 13 हज़ार 14 हज़ार पेज निकाल देता है। एवरेज लगा लो आप कि 12 हज़ार 13 हज़ार पेज तो निकाल ही देता है कम से कम, और वो पेज के ऊपर डिपेंड करता है कितनी उसमें इंक लग रही है, पर पेज में कितनी ज़्यादा लग रही है कितनी कम लग रही है। कम इंक लग रही है तो 15 हज़ार निकाल देगा, ज़्यादा लग रही है तो 12 हज़ार निकाल देगा, तो उसका थोड़ा हिसाब आ जाता है। और ये आपको कुछ इस तरह से इसमें इंक डालनी पड़ती है काफ़ी संभाल के, जो गिरे ना, ये जो हमारे हाथों पर जो इंक गिर गई है ये भी इसमें कई बहुत सारे पेज इसमें प्रिंट भी हो जाते हैं। पर चलो कोई नहीं, ये मेरे को आपको दिखाना था कि किस तरह से इसमें इंक डालते हैं। तो इसमें डल गई है, अब इसमें हम लगा देंगे इसकी कैप। कैप लगाने के बाद जो इसमें अंदर इंक डली है उसको हम बाहर जाके इसको थोड़ा सा गिरा देते हैं, इसको तो उल्टा कर देते हैं, जो कि इसके अंदर जो इंक गिरी है वो सारी साफ़ हो जाएगी। तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं अभी। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इस मशीन के रिगार्डिंग और भी आपका कोई क्वेश्चन है या इंक के बारे में कुछ पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो ऑर्डर के बारे में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।